तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकल रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, उस मूवी का नाम है कैंडी क्लब। और ये मूवी हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और ये मूवी हमको क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखने के बाद, और ये मूवी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, और इस मूवी का जॉनर है स्पोर्ट ड्रामा। और इस मूवी को IMDb पे 5.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 91% के स्कोर दिए। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सस्ट्रेन ने, और इस मूवी की कास्टिंग में आपको भाई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे भारतीय राजा, मुरली शर्मा और शशि कुमार। और भाई पहली बता दूं भाई, ये मूवी उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी जिन लोगों को भाई स्पोर्ट ड्रामा ये सारी मूवी पसंद है, और भाई इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। और ये मूवी भाई 2 घंटे की है, और जब मैंने इस मूवी को देखा ना तो भाई 2 घंटे कब निकल गए आपको यही पता नहीं चलेगी। और ये मूवी भाई आपको जरा से भी बोर नहीं करती, और इस मूवी की स्टोरी भाई आपको भाई अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। और इस मूवी में अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इस मूवी में जैसे शशि कुमार का कैरेक्टर है वो एक तरह से ओलंपिक में खेलते हैं, लेकिन उन्हें किसी दिक्कतों की वजह से निकाल देते हैं मुरली शर्मा। और क्यों निकाल देते हैं उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी पूरी बेस है एक कैंडी क्लब के ऊपर, जिसमें लड़कियों की टीम है, लड़कियों की कबड्डी टीम है, और इसमें जितने भी खिलाड़ी है वो सारे गरीब लोग हैं, और इन गरीब होने के बावजूद भी ये स्टेट लेवल तक पहुंचते हैं। और इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ है इनके कोच का, जो अपनी इनकम से पूरी टीम को चला रहे हैं, और वो एक एक्स ऑफिसर है जो पहले आर्मी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अपने जो जितने भी गांव की लड़कियां हैं उनको एक अच्छा जीवन देने चाहते हैं, और उसी के लिए वो इनके साथ है, और वो उनको स्टेट लेवल तक पहुंचाते हैं। और वो लास्ट तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी की स्टोरी भाई, इस मूवी की स्टोरी आपको कुछ नया प्रेजेंट नहीं करती है, नॉर्मली एवरेज स्टोरी है, लेकिन भाई इस मूवी का डायरेक्शन, क्लाइमेक्स, स्क्रीन प्ले भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो मुझे भाई इसमें जो शशि कुमार की एक्टिंग है ना भाई, वो एक तरह से धमाकेदार लगी, और बाकी सब जितने भी कैरेक्टर है उन सबकी एक्टिंग मुझे एवरेज लगी। और भाई इस मूवी के अगर प्लस पॉइंट के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी में जितने भी कबड्डी के खिलाड़ी दिखाए गए ना, उन सबकी बैक स्टोरी भी आपको देखने को मिलेगी कि आखिर वो क्यों, किस दिक्कतों की वजह से वो खेल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन खेल छोड़ने के बाद उनका क्या होता है, और जब वो वापस कबड्डी खेलना स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने एम बनाया था, वो एम वो पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर इस मूवी में मुरली शर्मा के कैरेक्टर की बात करें तो वो एक कोच भी है, और इंडिया के लिए खिलाड़ियों का भी वही सिलेक्शन करते हैं। जो एक खिलाड़ी होती है वो इंडिया के लिए सिलेक्ट हो जाती है इंडिया टीम के लिए, लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, और उसके पीछे क्या रीजन होता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और ये मूवी भाई अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, ये मूवी एक अच्छी मूवी है, और इस मूवी में कोई एडल्ट सीन, कोई गाली नहीं है, और इस मूवी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में भाई कुछ भी अच्छा लगा ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।